आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच मुकाबले में अजीब वाकया देखने को मिला। मैच के 48वें ओवर में खिलाड़ी अचानक ग्राउंड में लेट गए। दरअसल इस ओवर में मधुमक्खियों का एक झुंड आ गया, जिससे मैदान में मौजूद खिलाड़ी परेशान हो गए और अपने आप को बचाने के लिए मैदान में लेट गए। इसकी वजह से मैच थोड़ी देर के लिए रुका और फिर दोबारा शुरू हो गया। इस मैच में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। श्रीलंका की टीम 203 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से 48 ओवरों में क्रिस मॉरिस फेंक रहे थे। इस ओवर की आखिरी गेंद में पहले मधुमक्खियों का झुंड मैदान में आया। मधुमक्खियों का झुंड देखकर मैदान में मौजूद खिलाड़ी अपने बचाव के लिए मैदान में लेट गए। वाकया देख स्टैंड में बैठे दर्शक भी जोर जोर से हंसने लगे। इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में मधुमक्खियों ने खलल डाला था। 4 फरवरी 2017 को जोहानसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें आमने सामने थी। इस मैच में भी मधुमक्खियों ने खलल डाला था, जिसकी वजह से मैच कुछ देर के लिए रुका था। इस घटना के वक्त भी क्रिस मॉरिस गेंदबाजी कर रहे थे। इस मैच में मधुमक्खियों का झुंड 27वें ओवर में पहुंच गया था। मधुमक्खियों काफी देर तक मैदान में ही रही, जिसके चलते खिलाड़ी रेंगते हुए बाहर आ गए। इसके बाद मधुमक्खियों को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। रेफरी ने मधुमक्खियों के जाने तक मैच को रोक दिया। इस दौरान विकेटकीपर